बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानने वालों के लिए एक शानदार और गर्व करने वाली खबर है। खबर भारत चीन से जुड़ी हुई है। दरअसल अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विश्व बंधुत्व और सामाजिक समता के सिद्धांत और विचार चीन में भी पढ़े जाएंगे। पहली बार बाबा साहेब की किताबों का अनुवाद चाइनीज भाषा में कराने के लिए चीन की शेंचिंग यूनिवर्सिटी ने पहल की है। वरिष्ठ अधिवक्ता नितिन मिश्रम ने बताया कि जेएनयू के प्रोफेसर वाईएस अलोने ने बाबा साहेब के जीवन दर्शन से जुड़ी कई किताबें शेंचिंग यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही प्रोफेसर अलोने की किताब का भी चाइनीज में अनुवाद करने के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने कहा कि हम इन किताबों और विचारों के लिए अलग से अंबेडकर रीडर्स मंच भी बनाएंगे। प्रोफेसर वाई एस अलोने दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में प्रोफेसर हैं, दर्जनों पुस्तकों के लेखक हैं। कई राष्ट्रीय सम्मानों से पुरस्कृत प्रोफेसर अलोने ICCI की तरफ से शेंचेन यूनिवर्सिटी चीन के विजिटिंग प्रोफेसर भी रह चुके हैं। भारत सरकार की तरफ से नीति आयोग के संस्कृति संबंधी ग्रुप के विशेषज्ञों में वे शामिल हैं। बाबा साहेब और गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित हैं, इसलिए देश भर में उनके विचारों को फैलाने के लिए कार्यक्रमों में जाते हैं। प्रोफेसर होने के साथ ही आपको सामाजिक चिंतक और विचारक के बतौर भी जाना जाता है। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों का भी समर्थन किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री एवं भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि ली। उन्होंने लॉ, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के शोध कार्य में ख्याति प्राप्त की। जीवन के प्रारंभिक करियर में वे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत की। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किए गए।